है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। जी हाँ, कुछ ऐसी अटकलें, कुछ ऐसी खबरें सामने आ चुकी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार के पद को लेकर काफी ज्यादा प्रश्न उठ गए हैं। लेकिन आखिरकार इन खबरों को फैलाए किसने, क्या है खबरें सच में सच्ची खबरें हैं या फिर सिर्फ अफवाह, इसका जवाब यहाँ पर खुद नीतीश कुमार ने दे दिया था। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी बात हो गई जो मुझ तक नहीं पहुंची, मुझे भी नहीं पता और मैंने कभी बोली ही नहीं। ये बात यहाँ पर थी उनके मुख्यमंत्री पद को छोड़ने की, कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। लेकिन इस बात से साफ साफ नकारते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इन खबरों के बारे में मुझे तक मालूम नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें पहले भी सामने आई थी और अभी भी प्रश्न यही बना हुआ है कि क्या सच में नीतीश कुमार एक दिन अपना सीएम का पद यानी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा में जुटते हुए नजर आएंगे। ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन आखिरकार ये खबर पूरी क्या थी वो आप इस रिपोर्ट में जरूर जानिएगा। चलिए फिर आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसी बात की जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्या वो राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं। इन अटकलों के बीच नीतीश कुमार खुद सामने आए और जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि कौन ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या आप सीएम का पद छोड़ने वाले हो, तो उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कुछ भी छापते हैं। मैंने जब खुद पढ़ा तो हैरान रह गया। गौरतलब है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार भले ही अब राज्यसभा जाने की खबरों को अफवाह बता रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान में कहा था कि वो लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, अब तक राज्यसभा बाकी है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा राज्यसभा जाने की है। कई लोगों ने इसकी भी चर्चा शुरू कर दी थी कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बहरहाल नीतीश कुमार के राज्यसभा का सदस्य अब तक नहीं बनने को लेकर दिए गए बयान के बाद से बिहार की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म था। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अटकलों को खारिज कर दिया है। वही बता दे, ये तो आपने सुना है कि नीतीश कुमार भले ही इस बात को नकारते हुए नजर आए हो, लेकिन उनके समर्थन इस बात से नकारते हुए नजर नहीं आए और उनके आसपास रहने वाले लोगों का भी यही कहना है कि राज्यसभा में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार काफी ज्यादा जस्तजू करते नजर आ रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार इन सारी बातों से नकारते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी अभी कुछ अटकलें सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में ही इस बात की पुष्टि की जाएगी क्या ये सच है या फिर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते वो सच है, ये देखना काफी लाजमी होगा। लेकिन आपको क्या लगता है इन सारी खबरों को सुन के, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।